अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर। क्या करते हैं सर? पहले हिफ्ज़ किया, फिर 9th क्लास मुकम्मल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद भाई, इस्लाम से रिलेटेड एक आध सवाल किया जाए तो इजाज़त है? जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बता दीजिए, दुनिया में 124,000 कमों पेश अम्बिया आए, इनमें सबसे ज़्यादा उम्र कौन सी नबी की थी? नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम। ऐसे कोई इल्म है कितनी साल थी? 950 साल। 950 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताया आपको, नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने बेटों ने उसके ऊपर ईमान लाया था? तीन बेटों ने। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिली थी उनकी एज कितनी थी, उनकी उम्र कितनी थी? मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये मालूम नहीं है। चलो ये मैं बता देता हूँ, 80 साल उनकी उम्र थी। अच्छा गुसल के फ़राइज़ तो पता होंगे आप? जी जी। कितने? तीन। कौन कौन से? कुल्ली करना और नाक में पड़ जाना और फिर पूरे जिस्म। माशाल्लाह। कलमे के फ़राइज पता है? कलमे के फ़राइज चलो कलमे के 5 फ़राइज हैं, कलमे के अंदर 5 फ़राइज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे 3 सवाल थे। सबसे पहला सवाल ये था कि दुनिया में 124,000 कम उपेश अम्बिया आए थे, इनमें सबसे ज़्यादा उम्र किसकी थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कुछ 950 साल बताई जाती, 1000 साल भी बताई जाती, तो सबसे ज़्यादा उम्र जो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की थी। दूसरा सवाल ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने कितने बेटों ने उनके ऊपर ईमान लाया था, तो 3 बेटों ने ईमान लाया था उनके ऊपर। चौथा तीसरा सवाल हमारा ये किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब उनको नबूवत मिली थी तो उनकी एज कितनी थी? 80 साल बताई जाती है टोटल, लगभग उसकी 80 साल उम्र थी। तो ये हमारे सवाल थे, मिलते हैं नए सवाल के साथ।